गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल टीपी एकेडमी। तो शुरू करते हैं, आज का पॉइंट है नाउ दैट वी आर फॉलिंग फास्ट। आज हम लोग इस पॉइंट का हिंदी एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन समझेंगे और साथ साथ ऑब्जेक्टिव भी जो पोएम के लाइन से आता है उन्हें देखते चलेंगे। तो नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट डब्ल्यू एच ऑर्डेन साहब के द्वारा लिखा गया है। कवि ने इस कविता के माध्यम से प्रकृति में पाए जाने वाले पेड़ पौधे का उदाहरण लेते हुए मानव जीवन के बारे में बताया है। पोएम का पहला स्टेंजा सबसे पहले हम लोग करेंगे, आप लोग भी हो सके तो रेनबो बुक उल्टा लीजिए। पोएम का पहला स्टेंजा है, कवि कहते हैं नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, पत्तियां अब तेजी गति से गिर रहे हैं। कभी बहुत ही आहत है, कभी बहुत ही दुखी हैं। इसी पोएम में आप लोग बुक में देखेंगे एक फोटो दिया हुआ है और लग रहा है फोटो किसी पहाड़ी एरिया का है या कभी के गार्डन का है, कभी किसी बगीचे में बैठा हुआ है और चिंतन मनन कर रहे हैं। इसी में यहाँ फोटो दिया हुआ है, फोटो उसमें कोई बुजुर्ग बैठे हुए और चिंतन मनन कर रहे हैं। ये जो बैठे हुए इस बगीचा में कोई और नहीं है, वो डब्ल्यू एच ऑर्डेन साहब है। डब्ल्यू एच ऑर्डेन का पूरा नाम क्या है? वेस्टन हग ऑर्डेन। तो पोएम की पहली स्टेंजा में कवि डब्ल्यू एच ऑर्डेन बतलाते हैं कि नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, अब पत्तियां तेजी गति से गिर रहा है। अब तो ऐसा लग रहा है कि सृष्टि में जितने पेड़ पौधे हैं तमाम पेड़ पौधे अंतिम अवस्था में। आगे कवि कहते हैं नर्सेस फ्लावर एक फूल का नाम है, नर्सेस का फूल। वैसे नर्सेस का मतलब, नर्सेस फ्लावर का हिंदी में पीछे लिखवाया था वर्ड पावर में आप लोगों को, सहायक वृक्ष नहीं, बड़े वृक्ष के नीचे जो छोटे वृक्ष उगाते हैं और बड़े वृक्ष का सहारा लेकर के जो खिलते हैं फलते फूलते हैं। तो कभी कहते हैं नर्सेस फ्लावर, नर्स का जो फूल है विल नॉट लास्ट, अब अधिक दिन तक नहीं टिकेगा, या लास्ट मतलब टिकना, लास्ट मतलब अंतिम नहीं, लास्ट मतलब टिकना, नहीं टिकेगा। नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, अब नर्सेस फ्लावर अधिक दिनों तक जिंदा नहीं रहेगा। नर्सेस टू द ग्रेव, जो नर्स के फूल हैं, टू द ग्रेव कब्र में चले जाएगा, आर गॉन। नर्सेस टू द ग्रेव्स आर गॉन, कभी यहां मेटाफोर के रूप में फूल का उदाहरण लेकर के, पेड़ पौधे का उदाहरण लेकर के कभी कहना तो कुछ और चाहते हैं आप, दिख तो कुछ और रहा है, सोच तो कुछ और रहे होंगे, लेकिन पोएम का अर्थ कुछ अलग है। कभी प्रकृति में पाए जाने वाले पेड़ पौधे के उदाहरण लेके कवि ये समझाना चाहते हैं, जैसे पेड़ पौधे की पत्तियां गिरा है उसी तरह से अब मानव का भी अंतिम समय आ गया है, कि प्रकृति में पड़ना कि तो अभी शुरुआत हुई है, अभी तो आगे और अधिक ठंडी आने वाला है, स्थिति तो विकराल रूप धारण कर लेगा। कभी आगे कहते हैं जब पेड़ पौधे फूल, कभी के खुद के बगीचे के या दुनिया में जो पेड़ पौधे हैं सभी कब्र में चले जाएंगे तब क्या होगा। अगले पंक्ति में क्या कहते हैं, एंड और द पाम्स किसे कहा जाता है, पाम्स या प्रम्स, सारा वर्ड पीछे लिखा है उसे आप लोग देख लीजिएगा पिछले वीडियो में। एंड द प्रम्स चौपहिया गाड़ी, अब तो तीन पहिया गाड़ी नहीं, बच्चों को प्रैक्टिस करने के लिए जो बच्चे
छोटे रहते हैं तो नहीं बच्चों को खेलने के लिए गाड़ी देते हैं, लकड़ी से बना हुआ जो होता है तीन पहिया या चार पहिया गाड़ी, जिनके सारे बच्चे दौड़ने का खड़े का प्रैक्टिस करते हैं बचपन में। तो ये कभी कहते हैं कि अब जो मेरे बगीचे में फूल पौधे हैं सब कब्र में जा रहे हैं, एंड और द पाम्स, बच्चों क्या करेंगे अपने जो गाड़ी हैं बच्चों वाली गाड़ी, वो रोलिंग ऑन अब उसी पेड़ पौधे को जिसे मैंने काफ़ी मेहनत से लगाया था, सिंच सिंच के लगाया था, अब वो तमाम खत्म हो रहा है क्योंकि प्रकृति में प्रलय आने वाला है। अब देखते हैं गोबर में आलू वगैरह लगाते हैं, जब पाला पड़ता है, जब ठंडी पड़ती है, नहीं पत्ते खत्म हो जाते हैं। तो ये कभी कह रहे हैं अब बच्चे अपने गाड़ी को किस पे चला गया, उसी पौधे पर, उसी फूल पर, उसी नर्सिस फ्लावर पर। कभी कहते हैं ऐसा इसलिए हो रहा है कि मुझे लग रहा है विस्परिंग लीवर्स, विस्परिंग लीवर्स यमदूत, यमराज का जो दूत होता है उसे कहते हैं यमदूत। कभी कहते हैं ऐसा इसलिए क्योंकि विस्परिंग नेवर्स यमदूत लेफ्ट एंड राइट, बाएं और दाएं। अगली अस्टेंजा में कभी कहते हैं, अगली अस्टेंजा में चार चार लाइन का अस्टेंजा है, एक लाइन में, एक अस्टेंजा में चार पंक्ति है, देखिए आगे। कभी कहते हैं विस्परिंग नेवर यमदूत, यमराज का दूत जो लोगों का प्राण खींच के ले जाता है। कभी कहता मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मुझे ऐसा एहसास होता है, इट सीम्स टू मी दैट विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट। कभी कहते हैं मुझे ऐसा लग रहा है कि यमराज के जो दूत हैं मेरे दाएं और बाएं खड़े हैं, यानी मेरे अगल मेरे बगल में खड़े हैं और लगता है अब मेरा भी प्राण लेने के लिए आ गए हैं। प्रकृति में तो पेड़ पौधे अंतिम अवस्था में, तो विस्परिंग नेवर्स लेफ्ट एंड राइट। और कभी कहते हैं अब ये यमदूत क्या करेगा, पलक अस, वैसे पलक का मतलब फूल तोड़ना, मतलब पलक मतलब फूल तोड़ना, आप लोग पढ़े होंगे। कभी कहते हैं अगली पंक्ति में पलक अस, कौन पलक अस तोड़ लेगा, कौन, विस्परिंग नेवर यमदूत कहता है पलक अस, ये जो यमदूत है पलक अस तोड़ लेगा अस हम लोगों को, द रियल डिलाइट, रियल मीन्स वास्तविक डिलाइट आनंद, हमारे जीवन में जो वास्तविक आनंद है, मौज मस्ती है, इस दुनिया से अब क्या कर देगा यमदूत, खत्म कर देगा हम लोगों को, हम लोगों को तोड़ देगा, बर्बाद कर देगा। और कभी कहते हैं जब ऐसा होगा, एक एक करके पेड़ पौधे खत्म हो रहा है, एक एक करके आदमी इस पृथ्वी पर से खत्म होने लगेगा, तब क्या होगा, एंड और द एक्टिव हैंड्स, एक्टिव क्रियाशील, ये हाथ क्या है, एक्टिव है, हर एक चीज हाथ से करते हैं। कभी कहते हैं नेक्स्ट पंक्ति में, कभी अगली पंक्ति में कहते हैं एंड और द एक्टिव हैंड्स, ये जो क्रियाशील हाथ है मस्ट अवश्य फ्री जम जाएगा, ये जो हाथ काम कर रहा है ना, क्योंकि वो भयावह स्थिति को देख करके हम अस्तबद्ध हो जाएंगे हम लोग, और ये क्रियाशील जो हाथ से काम कर, ये भी जम जाएगा, लुल्हा पड़ जाएगा, ये काम करना छोड़ देगा, और तब क्या होगा, लॉनली, जब सब चले जाएगा इस दुनिया से तो लॉनली अकेला मैं या आप लोग, मैं अकेले या आप लोग अकेले अकेले, लॉनली ऑन द सेपरेट नीज, अकेले अकेले अपने अपने घुटने पे हाथ दे करके, लॉनली बहुत समझने वाला पंक्ति है, लॉनली ऑन द सेपरेट नीज, आदमी जब अकेला बचेगा तो अपने घुटने पे हाथ दे करके धरकर बैठ जाएगा। क्या समझे, हम लोग मोह माया की ममता की दुनिया में, जाना तो सबको एक दिन है, क्योंकि सब कुछ तो जा रहा है, सब कुछ जा रहा है, पेड़ पौधे खत्म हो रहे, आदमी जा रहे। अब देखो हम लोग के दादा दादी वो चले गए, फिर मम्मी पापा,
उसके बाद लोग उम्र और वो चले जाएंगे, फिर हम लोग भी इस दुनिया से, तो ये दुनिया किसी का बपोती नहीं है। इस दुनिया आए हैं सो जाएंगे, राजा रंग फकीर सबों को एक दिन जाना है। इसलिए मनुष्य जब तक इस पृथ्वी पे है अच्छा कर्म कर लो, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं मिलेगा। ये मानव का तन बार बार नहीं मिलता है, इसीलिए मानव जीवन में आए हो तो कुछ करो, क्योंकि ये समय दोबारा नहीं आएगा। आगे कभी कहते हैं, क्योंकि अगली अस्टेंजा में देखिए, नेक्स्ट अस्टेंजा में कहता है डेड इन हंड्रेड्स, डेड मर गया, हंड्रेड्स एट द बैक, इससे पहले इससे पीछे, यानी हम लोगों को आने से पहले, यानी हम लोग के गांव में बहुत सारे वृद्ध लोग मरते हैं, जवान लोग मरते हैं। कभी कहते हैं डेड इन हंड्रेड्स, सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई है, एट द बैक पीछे सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई है, पीछे सैकड़ों लोगों की मृत्यु हुई है, फॉलो अनुसरण किया है, उडेन लकड़ी के बने हुए बक्सा का, इन आवर ट्रेक अपने रास्ते में, जब आदमी मर जाता है कभी कहते हैं अपने रास्ते में किसको फॉलो किए हैं, लकड़ी के बक्सा का। या एक चीज आप लोग समझिएगा, यहाँ मीनिंग तो इस पोएम का बहुत सारे मीनिंग्स इस पोएम का, क्योंकि जो आप सुन रहे हैं वास्तव मीनिंग में नहीं आपको बता रहा, क्योंकि कवि का जन्म कहाँ हुआ था, इंग्लैंड में, और वहां कौन सा धर्म चलता है, ईसाई धर्म, और ईसाई धर्म में जब लोग मरते हैं तो किस में बंद होकर अंतिम स्थान तक जाते हैं, लकड़ी के बक्से में ना, लकड़ी के ताबूत में ना। यहाँ इसलिए चूंकि कवि ईसाई धर्म के हैं, इसलिए कवि कहते हैं फॉलो उडेन इन आवर ट्रेक, हम सभी लोग अनुसरण करेंगे, बंद हो जाएंगे किस में, लकड़ी के बक्से में, और अपने अंतिम स्थान तक चले जाएंगे। कभी कहते ऐसा तो सैकड़ों लोगों का मेरे गांव समाज में हुआ है, लोग मर रहे हैं, अब क्या होगा, जो लोग जिंदा है। अगली पंक्ति में देखिए कहते आम श्रीज नहीं, जब क्रिमिनल को पुलिस इनकाउंटर करता है क्या कहता है, दोनों हाथ उठा लो, आत्मसमर्पण कर दो, सरेंडर बोल दो, तो यदि डर भय हो जाता है बदमाश को तो क्या करता है, आत्मसमर्पण कर देता है। तो अब क्या हो गया है, जो सैकड़ों लोगों की मृत्यु हो उसे कभी भी डर गए हैं, और जो बचे हुए लोग हैं डर गए हैं, और आम श्रेष्ठ लिखा हुआ पंक्ति, आम श्रेष्ठ बांह उठा दिया, हाथ उठा दिया है, अष्टि की कठोरता से सभी जो बचे अपने अपने हाथ उठा दिए, परमात्मा हमने कोई गलती नहीं किया, मुझे मत ले जाओ, आम श्रेष्ठ अष्टि भी हाथ उठा दिया है, आम श्रेष्ठ हाथ को उठा दिया है टू रिप्रूव, और ये कोशिश कर रहा है, ये प्रमाणित करना चाहता है, क्या प्रमाणित करना चाहता है, रिप्रूव फिर से प्रूव करना चाहता है कि मुझे मत ले जाओ, हमने कोई गलती नहीं किया है। और इन फॉल्स एटीट्यूड्स ऑफ लव, ये जो मानव हाथ उठा के कह रहा है भगवान बचा लो, इन फॉल्स एटीट्यूड, ये तो मानव का झूठा प्रवृत्ति है। जिंदा में तो कभी परमात्मा को हमने याद नहीं किया, इधर उधर में रह गया, अब देख रहे हैं सभी लोग खत्म हो रहा है, अभी सभी लोग खत्म हो रहा है, अभी देखो ना कोरोना में बहुत सारे लोग मारे गए, अब किसी के परिवार एक को हो गया तो डर है कि हो सके मुझे भी परमात्मा लेकर ना चले जाए। तो कहते ये लोग इन फॉल्स एटीट्यूड ऑफ लव, ये लोग झूठा प्रवृत्ति दिखा रहे, अपना मोहब्बत का झूठा नाटक कर रहा है बचा हुआ, चलो कोई बात नहीं। तो पृथ्वी पे सारा चीज खत्म हो गया है, पृथ्वी पर सब कुछ, पेड़ पौधे भी अपने अपने कब्र में चले गया है, नर्सिस फ्लावर खत्म हो गया है, मानव भी अपने अंत होने की स्थिति में है। आगे कभी कहते हैं जब पृथ्वी पे कुछ बचा ही नहीं, और ये पोएम तो 100-200 वर्ष पहले की है, उस समय तो जंगल ही जंगल था, अब बहुत पीछे जाओगे तो
पीछे जाओगे तो आदि मानव जंगल में ही कंदमूल खा के रहते थे, आदि मानव जितने भी राक्षस थे, दुष्ट प्राणी थे। तो थोड़ा जब बैक जाओगे, पीछे जाओगे, तो इस पोएम का मीनिंग और समझ में आएगा। पीछे चलो सैकड़ों वर्ष पहले, कभी कहता है अब तो, क्योंकि अब ना धान गेहूँ की खेती होती है, हम लोग उपजा के घर में रखते हैं। पहले तो रामायण में आप लोग देखे हैं ना, जब हनुमान जी लंका गए थे तो लंका में कंदमूल खाते रहे थे ना, लेकिन पेड़ पौधा वह रहता ही नहीं। अशोक वाटिका में पेड़ पौधा खत्म हो गया होता, सूख गया होता, पत्ता भीन हो जाता, फल नहीं होता, तो कैसे जिंदा रहते भूखे? तब तो इधर उधर दहाड़ते भोजन के लिए, नोच नोच के चाहते कहाँ से मिल जाए। आगे कभी कहते हैं अब पृथ्वी पे कुछ नहीं बचा है, पेड़ पौधे सब खत्म हो गया है। कहते हैं स्टार्विंग, भूख से जब ऐसा पृथ्वी पे प्रलय होते चले जाएगा, स्टार्विंग भूख से थ्रू द लिफलेस वुड, पत्ता विहीन जंगल में, इस पत्ता विहीन जंगल में, कहने का मतलब पेड़ पत्ता से हीन इस दुनिया में, पेड़ पौधे पत्ता ना रहे, धान गेहूं चावल जितने भी कुछ भी ना रहे, तो भूख प्यास से थ्रू द लिफलेस वुड, पत्ता विहीन जंगल में, पत्ता स्टार्विंग थ्रू द लिफलेस वुड, पत्ता विहीन जंगल में भूख से ट्रॉल्स, ट्रॉल्स का हिंदी लिखाए थे स्कैंडिनेविया में पाए जाने वाले दुष्ट प्राणी, यानी तो ट्रॉल्स में दुष्ट जीव राक्षस। वैसे भी मानव जब कुछ नहीं मिलेगा तो अंतिम अवस्था में जब भोजन नहीं मिलेगा तो राक्षस की प्रवृत्ति मनुष्य में भी आ जाता है, न मिले खाना पीना तो क्या चोर डकैती करने लगेगा, छीनी झपट करने लगेगा, करने लगेगा। कहता ट्रॉल्स पत्ता विहीन जंगल में, ट्रॉल्स दुष्ट प्राणी रन दौड़ेगा, स्कॉल्डिंग जोर जोर की आवाज करेगा। अब मन जंगल में सब कुछ खत्म हो जाए, बाघ क्या करेगा, धारेगा, जोर जोर की आवाज करेगा ना भोजन के लिए, कहाँ मिल जाए हिरन काम। तो कहता है ट्रॉल्स दुष्ट प्राणी, दुष्ट राक्षस रन दौड़ेगा, स्कॉल्डिंग आवाज करेगा, फॉर देयर फूड अपने भोजन के लिए, ट्रॉल्स रन स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड अपने भोजन के लिए, दुष्ट प्राणी दहाड़ेगा दौड़ेगा, और अब तो पृथ्वी पे कुछ नहीं बचेगा। एंड और द नाइटिंगेल इज डम, और समाज में जो नाइटिंगेल का मतलब बुलबुल, बुलबुल भी होता है, हमने पहले कह दिया इस कविता के बहुत अर्थ होते हैं, पोएम के अलग अलग अर्थ आप समझ सकते हैं। अब तो कुछ ही लोग बचे हैं पृथ्वी पर, फिर दूसरा मिल निकल जाएगा। तो नाइटिंगेल का मतलब जो लोग बच जाएंगे, सब लोग ईमानदार लोग, वो इस स्थिति को देख करके, हमारे समाज में जो सब लोग ऐसा स्थिति को देख करके डम हो जाएंगे, गूंगे हो जाएंगे। ये तो एक अलग मीनिंग था, लेकिन यहाँ जो है इसका सिंपल मीनिंग आप लोग समझिए। एंड नाइटिंगेल इज डम, और जब पृथ्वी पे कुछ नहीं बचेगा, पत्ता भीन हो जाएगा पूरा पृथ्वी, दुष्ट प्राणी अपने अपने भोजन के लिए दौड़ेगा, जोर जोर की आवाज करेगा, गर्जना करेगा। एंड द नाइटिंगेल इज डम, और बुलबुल पक्षी जो मीठी गान गाती वो भी गूंगी हो जाएगी, उसको खाना मिलेगा तब ना, पहले तो ये चाहिए ना, तब तो, अब तो बुलबुल को कुछ मिलेगा नहीं तो गाना भी बंद कर देगी। एंड और द एंगल, एंगल मतलब देवदूत, भगवान के द्वारा भेजे गया दूत। कहते हैं यदा यदा ही धर्म ग्लानिर्भवति भारत, यदा यदा ही धर्म ग्लानिर्भवति भारत द्युत्थान मा धर्मस्य तदात्मान सृजाम। जब जब इस पृथ्वी पर अन्य और अत्याचार होता है, प्रलय होता है, तो एक महापुरुष, एक परमात्मा के संतान का पुनर्जन्म होता है हम लोगों की रक्षा करने के लिए। तो कभी यही कह रहे अब तो पृथ्वी पे कुछ नहीं बचा है, पृथ्वी पे तो त्राहिमाम मचा हुआ है। एंड ऑल द एंगल विल नॉट कम, एंगल मतलब बाज पक्षी जो होता है, एंगल मतलब बाज नहीं, एंगल मतलब देवदूत, भगवान के द्वारा भेजे गए दूत। एंड ऑल द एंगल देवदूत विल नॉट कम, अब इस पृथ्वी पे कुछ बचेगा ही नहीं, तो भगवान के द्वारा जो भेजा गया दूत है अब वो पृथ्वी पे नहीं आएगा, इस पृथ्वी पे नहीं आएगा, क्योंकि आगे क्या होने वाला है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेंजा में आप लोग ध्यान से देखे, बुक को उल्टा लीजिए, बुक से देखिए। अब देखिए अंतिम स्टेंजा में कभी क्या कह रहे हैं, यहां तो कह दिए अब देवदूत
भगवान के द्वारा भेजे गया दूत भी देखने के लिए, जैसे नारद मुनि घूम घूम के देखते रहते थे कहाँ क्या हो रहा है। अब भगवान के द्वारा भेजे गए दूत, परमात्मा के द्वारा भेजे गए दूत भी पृथ्वी पर नहीं आएगा, क्योंकि पृथ्वी पर कुछ बचा नहीं, सब अंतिम अवस्था में, अंतिम चरण में, खत्म होने की स्थिति में आ पहुंचा है। क्योंकि कॉल्ड इम्पॉसिबल हाइट, कॉल्ड ठंडा, बहुत ठंडा, कॉल्ड ठंडा, कॉल्ड के बाद कोमा लगा, रुक जाइएगा, कॉल्ड के बाद कोमा लगा हुआ, कॉल्ड इम्पॉसिबल, कॉल्ड इम्पॉसिबल ठंडा, इम्पॉसिबल असंभव से ठंडा, बहुत ठंडी, तो पहाड़ी एरिया में जब ठंडी बहुत अधिक हो जाती है तो ठंडक से क्या होता है, आपने देखे ना बिहार में ठंडक आती है तो आलू घर, समझने के लिए विद्यार्थी आलू घर लगाते हैं ना, पाला पड़ जाता है तो पूरा डंठल बसता है इससे पेड़ पौधे में। ये पहाड़ी एरिया के बारे में भी चर्चा किया गया, कहते कॉल्ड इम्पॉसिबल हीट, कॉल्ड ठंडा, इम्पॉसिबल असंभव सी ठंडा, बहुत अधिक ठंडक, अहेड आगे तो बहुत अधिक ठंडक, ठंडक आने वाला है, अभी तो बस शुरुआत है, आगे तो बहुत अधिक ठंडक आने वाला है, कॉल्ड इम्पॉसिबल हीट। तो जब ठंडा बहुत आ जाएगा तो पहाड़ी एरिया में जब हम देखेंगे पेड़ पौधे जितना होगा सब तो खत्म हो जाएगा चारों साइड पहाड़ी एरिया में, आगे बहुत ठंडी आने वाला है, लिस्ट ऑफ माउंटेन, पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रेणी, प्रभात पर्वत ही पर्वत हो, यहाँ से मान लो लेकर के पटना तक, जैसे जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक क्या कहते हैं पर्वत श्रृंखला है, यहाँ पर्वत ही पर्वत हो, कहते लिस्ट ऑफ माउंटेन्स, कभी कहता आप जो बचे हुए लोग क्या देखेंगे, लिस्ट ऑफ माउंटेन्स, पर्वत श्रेणी का क्या देखेंगे, पर्वत श्रेणी का क्या देखेंगे, माउंटेन्स माउंटेन का पर्वत का क्या देखेंगे, लॉन्ली सिर्फ और सिर्फ हेड, ऊपर वाला माथा, ऊपर वाला, कभी कहते हैं जब इधर उधर देखेंगे हम लोग जो बचे हुए लोग हैं तो सिर्फ पर्वत का क्या दिखाई देगा, चोटी दिखाई देगा, हेड दिखाई देगा, आगे कभी कहते हैं हुज जिसका व्हाइट मतलब उजला वाटरफॉल झरना, क्योंकि पर्वत जो है पहाड़ से उससे तो झरना से पानी गिरता है ना, और सुपौल वाले विद्यार्थी लोग आप लोग तो उत्तर की ओर देखते होंगे तो आपको तो सुपौल जिला से तो दिखाई देता है आपको माउंट एवरेस्ट व्हाइट व्हाइट देखते होंगे छठ पूजा के समय में, व्हाइट व्हाइट से दिखाई देता है जब आप नेपाल की ओर देखते हो सुपौल जिला से, सुपौल जिला से तो दिखाई देता है, और बॉर्डर एरिया के लोग तो सीधा देखते होंगे माउंट एवरेस्ट की चोटी भी दिखाई देती है सुपौल डिस्ट्रिक्ट से। अब सुपौल डिस्ट्रिक्ट इधर वाले ने अंतिम वाले वो करजन राघोपुर सिमराई साइड के लोग, क्योंकि मैं छठ में उधर गया था पिछली बार तो हमने जब वहाँ से उधर की ओर देखा, देखा माउंटेन ही माउंटेन दिखाई दे रहा है, तो कभी कहते हैं हुज व्हाइट वाटरफॉल, जो पर्वत का जो झरना हो है, झरना है उजला पानी जो फॉल करेगा गिरेगा, कुड ब्लेस आशीर्वाद देगा, और तब तक मैं ट्रेवलर्स जो यात्रीगण हैं, यात्रीगण यहाँ ट्रेवलर्स जो लोग सफर कर रहे हैं, जो लोग अपने अंतिम क्षण में हैं, इन द लास्ट स्ट्रेस, कहां पहुंच जाएंगे लास्ट स्ट्रेस, अंतिम स्थान पे, अंतिम क्षण पे, जहां जीवन का अंत हो जाता है, जहां आदमी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है, ट्रेवलर्स इन देयर लास्ट स्ट्रेस, यात्रीगण अपने अंतिम अवस्था में होंगे। तो ये था नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट पोएम का, ये था नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन। और एक चीज आप लोग याद रखेंगे, आप लोगों को जैसे कोई, जैसे एक क्वेश्चन आप लोगों को बताऊंगा नेक्स्ट फ्यूचर में कभी, जैसे पोएम का लाइन दे देगा आपको, दे देगा क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फ्लोइंग लाइन, निम्नलिखित पंक्ति को व्याख्या करें, तब दे देगा नाउ द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, नर्सेस फ्लावर विल नॉट लास्ट, नर्सेस टू द ग्रेव, यानी कोई भी कविता का उस कहानी भाग से भी पूछा जाता है और कविता भाग से भी, जैसे दो चार लाइन दे देगा कहेगा इसका व्याख्या करें। तो ये एक्सप्लेनेशन व्याख्या आप लोग अंडर मैट्रिक 10th में भी ये सब पूछता है,
पंक्ति दे दिया इसका व्याख्या करें, जैसे आप हिंदी में नहीं पढ़े थे, रहमन पानी राखिए बिन पानी सब सुनो पानी गए उबरे मोती मानुष तू, ऊपर दे दे अर्थ लिखे या भावार्थ लिखे आशय लिखे, तो लिखते हैं ना प्रस्तुत पंक्ति हमारे पाठ पुस्तक के हिंदी साहित्य के रहीम के दोहे से लिया गया है जिनके रचनाकार रहीम साहब हैं। उसी तरह से इंग्लिश में भी आप दे देना नाउ द लीजर फॉलिंग फास्ट नर्स द फ्लावर नॉट लास्ट नर्सेस टू द ग्रेप्स आर गॉन एंड पान स्वर्लिंग ऑन, तो फिर यहाँ आप लोग उसी तरह से ये सबसे पहले लिखेंगे ये जो पंक्ति है नाउ द लीजर फॉलिंग फास्ट से लिया गया है, इस पंक्ति के माध्यम से कभी ये बात बताना चाहते जो भी होगा इसके लिए हम लोग आगे फ्यूचर में वीडियो बनाएंगे। सबसे पहले चैप्टर सबको कंप्लीट कर लीजिए और बहुत विद्यार्थियों का डिमांड है जल्दी ग्रामर स्टार्ट कीजिए। सर पांच पोएम आप पढ़ा दिए, इस पांच पोएम से मुझे आइडिया मिल गया विद्यार्थियों का कहना है, क्योंकि पांच पोएम जिस तरह से बताएं शुरू से लेके और यहाँ पांचवा जो पोएम आज कंप्लीट हो रहा है यहाँ तक यदि आप सही से देख लेंगे तो नेक्स्ट वीक कैसे स्टडी किया ये समझ में आ जाएगा। हालांकि इसका ऑब्जेक्टिव भी इस पोएम का ऑब्जेक्टिव सेशन भी आपको बताऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, हो सके तो ऑब्जेक्टिव पहले आपको बता दूंगा। और पीछे आप लोगों को वर्ड पावर करवाए हैं, वर्ड पावर के बाद कवि का परिचय, तो जितने भी ऑब्जेक्टिव पॉइंट थे वो तो जो आप लोगों को डब्ल्यू एच ऑर्डेन का कवि परिचय पिछले वीडियो में बताए थे उसी में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारा ऑब्जेक्टिव पॉइंट जो महत्वपूर्ण है वो लिखा गया है। अब कविता के लाइन से भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछेगा, जैसे डैश खाली जगह दे देगा स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड तो क्या होगा। बहुत बार इस ये कविता बहुत ही इम्पोर्टेंट आपके लिए, इस कविता से बहुत बार पंक्ति दे देता है, कोई लाइन दे देगा खाली जगह, जैसे आपको पूछ देगा खाली जगह स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड, ए में दे देगा ट्रॉल्स बी में ड्रॉल्स सी में ब्रॉल्स डी में नन, तो ट्रॉल्स स्कॉल्डिंग फॉर देयर फूड ट्रॉल्स में टिक लगाना है। अब ट्रेवलर्स इन द लास्ट खाली जगह तो डिस्ट्रेस, तो पोएम का जो पंक्ति है उसे भी देखिए, पंक्ति में जो लाइनिंग है ना पोएम का जो लाइनिंग है कहीं खाली जगह दे देगा वर्ड को वहाँ से डिलीट कर देगा, वहाँ आपको बताना होगा कौन सा वर्ड अप्रोप्रिएट होगा। अब ऐसा करते हैं हम लोग इस पोएम का ऑब्जेक्टिव पर परिचर्चा करते हैं। अब आप लोग को चूँकि पीछे आप लोगों को सारा चीज़ रिटेन में लिखा दिया हूँ, अब आप लोगों से कुछ पूछ रहा हूँ उनका जवाब दीजिएगा। डब्ल्यू एच ऑर्डेन का सिर्फ क्वेश्चन करूँगा, आंसर नहीं, चूँकि आंसर पीछे बोल दिया हूँ, टाइम लंबा वीडियो हो जाएगा। डब्ल्यू एच ऑर्डेन का जन्म कब हुआ, डब्ल्यू एच ऑर्डेन का मृत्यु कब हुआ, डब्ल्यू एच ऑर्डेन को कौन सा पुरस्कार मिला, बिल्कुल पता है पुलिट्जर प्राइज, वो कब मिला, डब्ल्यू एच ऑर्डेन के वर्क को कितने भाग में बांटा गया डिवाइड किया गया है, अमेरिकन फेज में कौन कौन से किताब लिखे हैं, ब्रिटिश फेज में कौन कौन से बुक लिखे हैं, तो बहुत सारी बातें हैं। आप लोग पिछले वीडियो को देख लीजिए, वहाँ से ऑब्जेक्टिव आप लोग कभी परिचय से रिलेटेड कर लीजिएगा और भी कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव पे आपको चर्चा कर देता हूँ। चलिए यदि आपसे पूछा जाए नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट इज रिटेन बाय, नाउ द लिप्स आर फॉलिंग फास्ट को किसने लिखा है, ए में दे दे आपको ए बी सी डी ऑप्शन दे दे जॉन डोने रूपर्ट ब्रूक डब्ल्यू एच ऑर्डेन डी में नन दे दे तो डब्ल्यू एच ऑर्डेन आंसर होगा। यदि आपसे पूछे द पारम्स आर, अभी तुरंत इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव कुछ पॉइंट बता रहा हूँ कि जब तक पिछला प्लस जो मेन चीज़ को नहीं पढ़ेगा तो ऑब्जेक्टिव रटने की चीज़ नहीं है, समझ में नहीं आएगा। पोएम की लाइनिंग से अभी जस्ट मैं पढ़ाया हूँ, अभी पोएम के लाइनिंग से क्वेश्चन कर रहा हूँ। द पारम्स आर खाली जगह, द प्रम्स आर खाली जगह, ए रॉलिंग बी स्टैंडिंग सी रनिंग डी नन, तो क्या होता है द पम्स द प्रम्स आर क्या होगा, स्टैंडिंग हो गई रॉलिंग रॉलिंग ना। चलिए यदि आप से पूछा जाए यदि आपसे पूछा जाए ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन
ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन ए डेथ, बी लाइफ, सी जर्नी, डी नन। तो क्या होगा, ह्यूमन लाइफ इज नो बेटर देन डेथ, मैं टिक लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ट्रेवलर्स आर खाली जगह, फास्ट डिस्ट्रेस, लास्ट डिस्ट्रेस, मच डिस्ट्रेस। तो अंतिम लाइन है ना, द ट्रेवलर्स आर लास्ट डिस्ट्रेस, में टिक लगाइएगा। चलिए नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द फॉलिंग ऑफ खाली जगह, यहाँ खाली जगह, द फॉलिंग ऑफ खाली जगह रेफर टू स्पीडी अराइवल ऑफ डेथ, किस चीज का गिरना, द फॉलिंग ऑफ खाली जगह किस चीज का गिरना सूचित करता है कि जीवन का तेजी से अंत हो रहा है, ए लिव्ज, पत्तियां, बी स्नोज, सी स्टोन, डी नन। क्या होगा, लिव्ज का ना, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ देगा, नाउ द लिव्ज आर फॉलिंग खाली जगह, नाउ द लिव्ज आर फॉलिंग खाली जगह, ए में फास्ट, बी में रन, सी में भी, किस में टिक लगाना है, कविता का नाम है नाउ द लिव्ज आर फॉलिंग, फास्ट में टिक लगाइएगा। चलिए अब फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द खाली जगह हैज बिकम डंप टू सी द लिफलेस ट्रीज, पत्ता विहीन पेड़ को देख करके कौन गूंगा हो गया है, अभी तुरंत बताएं, ए पिकॉक, मोर, बी हेन मुर्गी, सी एस्पेरो गोरैया, डी नाइटेंगल। क्या होगा, नाइटेंगल होगा, द नाइटेंगल हैज बिकम डंप, अभी तुरंत ना बताऊं, अब देख लिए ना आप लोग, कुछ भाई लोग ऑब्जेक्टिव को भी रटते हैं, आदत हो गई है पतरा पोथी को छाप छाप करके दिमाग को मोटा करने का, आप थ्योरी को सही से सुन लो, ऑब्जेक्टिव रटने की चीज नहीं है, अभी तुरंत कविता पे जो लेक्चर दे 10 मिनट मुश्किल से 5 से 7 मिनट पोएम को समझाने में लगता है, इतने घुमा फिरा के समझाया, किस लिए, किस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको दिमाग में आ जाए, ऑब्जेक्टिव भी कम से कम सुन लोगे ना लेक्चर तो क्वेश्चन बन जाएगा, अभी जस्ट क्या बताऊं, कौन गूंगा हो गया पत्ता भी जंगल को देख करके, नाइटेंगल बुलबुल पक्षी, डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस, तमाम बेवकूफ नहीं बनिए, आप बुक में जो पोएम दिया उसके लाइनिंग को देखिए तो नहीं दिया हुआ है, सारा क्वेश्चन तो वैसे बनता है कभी के जीवनी से और कविता कहानी के लाइन से, अभी तो कविता पढ़ा है, कविता के पंक्ति से ही दिया जाता है, पॉकेट से थोड़ी हम देते हैं, हाँ दूसरा कोई देते होंगे, मैं पॉकेट से कुछ नहीं देता हूँ, जो आपके टेक्स्ट बुक में है, जो सिलेबस में है, उसी से सारा क्वेश्चन बनता है। डैश वाटरफॉल कुड ब्लेस, ए वाइट, बी रेड, सी येलो, डी ग्रे। देखिए तो बुक में लिखा हुआ है, देखिए बुक में आप लोग भी देखिए, तो अंतिम स्टेंजा में है, हुज वाइट वाटरफॉल कुड ब्लेस, क्या देखिए, कविता के पंक्ति का सेम लाइन दे दिया और उसी पंक्ति में खाली जगह दे दिया, क्या क्वेश्चन, खाली जगह वाटरफॉल कुड ब्लेस, तो क्या होगा, ए में वाइट, बी में रेड, सी में येलो, तो वाइट ना होगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, ट्रीज शेड देयर लीव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रीज शेड देयर लीव्स, यानी पेड़ पौधा से पत्ते गिर जाते हैं खाली जगह, किस ऋतु में, ए विंटर, अब बड़ा ये अनपटा क्वेश्चन है, थोड़ा आप लोग भी इसको देख लीजिएगा, ए विंटर, बी रेनी सीजन, क्योंकि अभी तो बात कह रहा था कॉल्ड इम्पोसिबल, ठंडा बहुत अधिक ठंडा के कारण, लेकिन ऑप्शन यहाँ उल्टा पुल्टा है, ऑप्शन यदि ये ऑप्शन जो सेट कर रहे हैं तो ऑप्शन में तो उल्टा पुल्टा हो जाएगा, क्योंकि ये पूछा गया, ये आपको बिहार बोर्ड का मॉडल सेट में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ था, ट्रीज शेड देयर लीव्स, पेड़ पौधा से पत्तियां गिरता है, चलिए अब ऑप्शन को ठीक कर देते हैं, ए रेनी, बी ऑटोमन, सी समर, और डी नन। तो क्या होगा, तब तो ऑटोमन होगा ना,
यदि ऑटोमन वहां ना दिया रहे, बाद में विंटर दिया रहे, तो याद रखिएगा आप विंटर में टिक लगा दीजिएगा। जारा जारा महीना जब काफी अधिक होता है ना, तो भी ओला के कारण पत्तियां सूख जाता है। अब नेक्स्ट है, डैश पर्सन आर ट्रेवलर्स, ये कविता के लाइन से है। डैश पर्सन आर ट्रेवलर्स, डैश पर्सन आर ट्रेवलर्स, कौन व्यक्ति लोग हैं जो यात्रीगण हैं। ए यंग जवान लोग, बी ओल्ड बूढ़े लोग, सी इंटेलिजेंट तेज लोग, और डी क्लेवर। क्या होगा? यंग पर्सन आर ट्रेवलर्स, बोले यंग पर्सन आर ट्रेवलर्स। कौन पर्सन यात्रीगण है इस कविता में? यंग पर्सन। अब नेक्स्ट, द लीव्स आर फॉलिंग, क्या होगा? द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट ना, द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट, द लीव्स आर फॉलिंग फास्ट। तो एक बार आप लोगों को फिर से इस पोएम को रिवीजन कर दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं ना आप लोगों को? बताइए आप लोगों का हाल चाल कैसे हैं आप लोग, बढ़िया है ना? चलिए एक बार इसको फिर से देखते हैं, फिर से देखते हैं। एक बार आपसे ऑब्जेक्टिव, जो भाई लोग पिछला वीडियो देखेंगे उनको बड़ा मजा आता होगा, जो लोग नए जुड़े उनको थोड़ी समस्या होती होंगी यदि नहीं कहीं पढ़ेंगे तो। चलिए, W.H. ऑडेन का पूरा नाम क्या है? वास्टन हगडे। W.H. ऑडेन का पूरा नाम वास्टन हगडे। जन्म कब हुआ? 1907 ईस्वी में। मृत्यु कब हुआ? 1973 ईस्वी में। इनको कौन सा पुरस्कार मिला? पुलिट्जर प्राइज। कौन सा पुरस्कार मिला? पुलिट्जर प्राइज। कौन सा पुरस्कार मिला? पुलिट्जर प्राइज, याद हो गया? पुलिट्जर प्राइज कब मिला? 1948 में। कभी परीक्षा में पीछे हम बताए थे आप लोगों को, टेस्ट ले रहा हूँ। और ये क्या थे? विगोरस पोएट थे। विगोरस पोएट का हिंदी क्या होता है वो भी पीछे डिस्कस कर दे, काफी लंबा चौड़ा डिस्कस कर दिया। और भार्स ड्रामेटिस्ट थे, क्रिटिक थे, ट्रांसलेटर थे, एडिटर थे। क्या क्या थे पिछला वीडियो देखिए, कवि परिचय, W.H. ऑडेन का कवि परिचय, जो लोग पढ़ लिया उनसे पूछ रहा हूँ। और इंग्लिश, इनके काम को दो फेज में बांटा गया है। कल कितना 40 मिनट का शायद वीडियो हो गया था, सिर्फ W.H. ऑडेन का परिचय बता कल 40 मिनट पिछले कल। इनके काम को दो भाग में बांटा गया, इंग्लिश फेज और ब्रिटिश, इंग्लिश फेज कहिए या ब्रिटिश फेज और अमेरिकन फेज, यानी ब्रिटिश फेज और अमेरिकन फेज। अब ब्रिटिश फेज में कौन कौन सी किताब लिखा, इंग्लिश फेज में कौन कौन सी किताब लिखा, उन्हें भी आप लोग देख लीजिएगा। एक चीज और, इस तरह से आप लोग बिल्कुल तैयार कर लिए होंगे। अब आप लोगों को हो सक देख लीजिएगा, यदि हो सके तो आप लोगों के एकदम वो लिखित वो स्क्रीन पे चलता रहेगा, अब पीछे से आवाज़ आएगा, ठीक ना? नहीं होगा तो ऑब्जेक्टिव का, एक ऑब्जेक्टिव का पिछला देख लीजिएगा सारा चीज़, क्योंकि इतना ऑब्जेक्टिव बन रहा है कि इसको संभव नहीं है अपलोड करना, कितने एक चीज़ में मेहनत करें तब भी हो सकेगा। तो मेन मेन ऑब्जेक्टिव जो दे दिए हैं उससे बाहर का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो आप लोगों को एकदम स्क्रीन पे लिखा हुआ पीछे से आवाज़ के साथ अपलोड कर दूंगा, उन्हें भी आप लोग लिख लीजिएगा, देखते रहिएगा। और अब हमने 5 पोएम आज कंप्लीट हो गया, और जैसे अभी जो चीज़ पढ़ाए हैं यदि आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आपसे निवेदन है कि शेयर सब्सक्राइब कीजिए कि नहीं कीजिए, क्योंकि पहले आप संतुष्ट होइएगा तभी ना, आप खुद संतुष्ट नहीं है तो आप शेयर सब्सक्राइब क्या कीजिएगा, दोस्त साथी को क्या बताइएगा। अभी जो पोएम पढ़ाए हैं यदि आपको समझ में नहीं आया तो एक बार पिछला वीडियो देख लीजिए, वर्ड पावर से कविता का जो महत्वपूर्ण वर्ड है पहला वीडियो में कराया था कवि परिचय, तब भी समझ में नहीं आया तब इस वीडियो को देखिए, पिछला वीडियो देखते इस वीडियो को देखिए। इस कविता का ये तीसरा वीडियो है, अभी तक मैं 3 वीडियो आपको पेश किया इस पोएम का, देखिए। और अभी जो बताया आपको यदि समझ में नहीं आया
तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि सर समझ में नहीं आया, लेकिन पहले दो चार बार आप देख लीजिए तब मुझे कमेंट कीजिए आपको कहाँ दिक्कत है। हम कोशिश करेंगे आपके साथ जो समस्या आ रही है उनको दूर करने का, बेहतर शिक्षा देने का। और अब इसके बाद आप लोग पिछले जितने वीडियो दिए हैं सब 5 पोएम कंप्लीट हो गया, एक होगा तो ऑब्जेक्टिव का अलग से आपको हम दे देंगे फिर से। आप इसको पहले आप कंप्लीट कीजिए, जितना जल्दी हो सके कंप्लीट कीजिए। आप जो 5 पोएम बचा है सबसे पहले उनका हम लोग क्या करेंगे, वर्ड पावर। क्योंकि कुछ विद्यार्थी का कहना है गाँव घर में सर कोई भी शायद पढ़ नहीं रहे हैं, कोचिंग वोचिंग खुल जाएगा तो लॉड बढ़ जाएगा सर विषय का, सर नहीं होता है, तो 5 जो पोएम बचा उसका वर्ड पहले करवा दीजिए। वर्ड को हम लोग नोटबुक में लिख लेंगे, उनको तैयार रखेंगे तो बस क्लास व्लास खुलेगा, जाएंगे आपका लेक्चर सुनेंगे तैयार हो जाएगा। तो कहना तो सही है आप लोगों का, आप में से कुछ का तो ऐसा करते नहीं होगा, तो उस जो 5 पोएम बचा है उसका वर्ड पावर सबसे पहले आप लोग को हम करवा देंगे। 5 पोएम तो कंप्लीट ना हो गया, वर्ड पावर करवा देंगे। वर्ड पावर को आप लोग डायरी में लिख लीजिएगा और उसके बाद फिर जो बचा हुआ पोएम वर्ड पावर क्या रहेगा, तो 5 पोएम है, पोएम को पंक्तिबद्ध पंक्ति लाइन बाय लाइन आपको हिंदी करके समझा दूंगा। इससे क्या होगा बहुत कम समय में, क्योंकि वर्ड पहले करवा देंगे तो बहुत कम समय में आप लोगों को नेक्स्ट पोएम कंप्लीट हो जाएगा। मुश्किल से मुश्किल 5 पोएम है तो 5 वीडियो में कंप्लीट हो जाएगा। उसमें क्या करेंगे एक ही वीडियो में, क्योंकि वर्ड लिखाया रहेगा एक ही वीडियो में, कवि परिचय कविता एक ही वीडियो में वर्ड लिखाया रहेगा हर कविता का, तो क्या करेंगे वही चीज कवि का परिचय प्लस कविता के हिंदी जो कुछ होगा बता देंगे, और नहीं होगा तो वर्ड पावर के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कवि का परिचय भी बता देंगे। तो जो भी समस्या हो परेशान मत हो, क्योंकि बहुत ही जल्दी हम स्टार्ट करने वाले ग्रामर सेक्शन। क्योंकि कुछ विद्यार्थियों का कहना है 2-3 टॉपिक, क्योंकि होता क्या है ग्रामर आप 11th में इंग्लिश ग्रामर पढ़े, 12th में भी ग्रामर पढ़े, अभी बताइए आप लोगों को हम बुक पढ़ा रहे हैं है कि नहीं। लेकिन इस बुक के जगह आप जब 5 पोएम पढ़ा दिए तो समझिए आप पूरा पोएम पढ़ ही लिए एक तरह से, क्योंकि आपको आइडिया मिल गया होगा, आप मेहनत ही आप कर लोगे खुद से भी, मैं तो हूँ। इसके जगह यदि कोई चैप्टर ग्रामर का पढ़ाते सब कुछ करो टेंस ही पढ़ाते, तो टेंस भाई 8वां 9वां 10वां नहीं पढ़ा, बॉयस ने पढ़ा है। और टेंस यदि पढ़ लोगे टेंस से कितने मार्क का क्वेश्चन, 2-3 मार्क का क्वेश्चन, टेंस से 2-3 मार्क का क्वेश्चन है। यहाँ जब पोएम पढ़ लिए तो समझो कितना मार्क का तो अंतर है ना। ग्रामर का यदि बॉयस ही पढ़ा देते तो 3 मार्क का, सब जो नरेशन ही पढ़ा देते 3 मार्क का, कहाँ 3 मार्क कहाँ 23 मार्क, इतना का फर्क हो जाता है। ये कैसे सर, मैं तो कहता हूँ 5 पोएम पढ़ लिए सब क्वेश्चन बन जाएगा, ये कैसे अथवा में रहेगा ना, 10 कविता से रहेगा अथवा अथवा में रहेगा ना। अब सारा आइडिया आपको नहीं दूँ, आप निश्चिंत रहिए ये 5 पोएम कर लिए ना, तो अब विशेष क्या बताऊँ, मैं तो सब करवा दूंगा लेकिन इस 5 पोएम से अथवा में रहेगा, या करके रहेगा ना, तो या करके रहेगा। सपोज 10 क्वेश्चन बनाना है तो अथवा वाला देखिएगा कौन आप पढ़े वही बनाइएगा, बस एग्जाम दीजिएगा ना, तब जो बात कह रहा हूँ 100% आपको समझ आएगा। और आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, देर भी थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत ही जल्दी आप लोगों को शुरुआत करेंगे इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल, इंग्लिश ग्रामर। अब वो इंग्लिश ग्रामर ऐसा नहीं को बकवास वाला नहीं, काम का, जिससे कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बने, जिससे कि जो भाई लोग कंपटीशन की तैयारी करें उनको भी मदद मिल जाए। तो इंग्लिश ग्रामर जो स्टार्ट करेंगे उसमें सबसे पहले बेसिक कुछ, और बेसिक के बाद एडवांस लेवल की पढ़ाई करेंगे, चाहे वो 11th का हो चाहे 12th का हो या अंडर 10th का स्टूडेंट हो। आप लोगों से निवेदन है यदि छोटे भाई आपके 6, 7, 8, 9, 10th में हो, या कोई कंपटीशन की तैयारी खुद कर रहे हो, या आप गार्जियन बंधु भी यदि कोई मेरे इस लेक्चर को सुन रहे हैं, तो आपसे निवेदन है कि
कि आपके घर परिवार में यदि अंग्रेजी किसी बच्चे की कमज़ोर है तो उन्हें आप आदेश दीजिए वीडियो लेक्चर को देखने के लिए जो मेरा ग्रामर सेशन स्टार्ट होने वाला है, क्योंकि उसमें स्पोकन इंग्लिश भी बताऊंगा, बोल चाल की अंग्रेजी। तो तब तक